हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिआं नूं। द बिजनेस स्टडी दे थर्ड चैप्टर प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस दे विच आपां लास्ट डिस्कस कीते सीगे ग्लोबल एंटरप्राइजेस मल्टीनैशनल कंपनीज। अज दा जो टॉपिक होगा अपना उहदे विच आपां डिस्कस करन वाले हैंगे जॉइंट वेंचर। तो देखो जॉइंट वेंचर की हुंदा हैगा, जदों दो या दो तो वध एग्जिस्टिंग बिजनेसिस मिल के एक नवा बिजनेस शुरू कर लेंदे हैगे, तो वह जिहड़ा नवा बिजनेस शुरू होएगा उन्हों आप कहने हैगे जॉइंट वेंचर। जिमें कि दो या दो तो वध बंदे जो मिल के कट्ठे प्रॉफिट कमाण लई मिल के बिजनेस शुरू कर देंगे उन्हों आप कहने हैगे पार्टनरशिप फर्म। इत्थे की गल हो रही है कि जो दो या दो तो वध बिजनेसिस जो ऑलरेडी इस्टैबलिश हुए बिजनेस हैगे वह मिल के एक नवा बिजनेस शुरू करेंगे, तो उस नवे बिजनेस नूं नाम दिता जाऊगा जॉइंट वेंचर का। तो देखो वैन टू और मोर ऑर्गनाइजेशंस जॉइन हैंड्स टूगैदर फॉर क्रिएटिंग सिनर्जी एंड गेन अ म्यूचुअल कंपीटिटिव एडवांटेज द न्यू एंटिटी इज कॉल्ड अ जॉइंट वेंचर। जो दो या दो तो बाद ऑर्गनाइजेशंस इकट्ठी होकर हाथ मिला के एक नवी कोलैबोरेशन दे विच प्रॉफिट गेन करन दे विच ते कंपीटिटिव एडवांटेज लैन लई कोई नवी ऑर्गनाइजेशन न्यू एंटिटी खोलदे हैगे, तो उस न्यू एंटिटी नूं क्या जांदा हैगा जॉइंट वेंचर। हुण ये जिहड़ी न्यू एंटिटी खुल रही हैगी, ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है दो या दो तो बाद ऑर्गनाइजेशन इकट्ठियां हो रही हैगियां, और दोनों ऑर्गनाइजेशन प्राइवेट कंपनीज़ भी हो सकती हैगियां, पब्लिक कंपनीज़ भी हो सकती हैगियां, और ईवन की फॉरन कंपनीज़ भी हो सकती हैगियां। यानी कि फॉरन की कोई कंपनी इंडिया की किसी कंपनी नाल मिलके भी एक जॉइंट वेंचर शुरू कर सकती हैगी। जॉइंट वेंचर्स कैन बी विद अ कंपनी ऑफ सेम इंडस्ट्री और कैन बी ऑफ सेम सम अदर इंडस्ट्री, बट विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दे विल जनरेट अ कंपीटिटिव एडवांटेज ओवर दी अदर प्लेयर्स इन दी मार्केट। हुण जिहड़े भी कंपनीज मिलके काम शुरू कर रही हैं, नवा काम शुरू कर रही हैं, और दोनों कंपनीज सेम इंडस्ट्री दियाँ भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल दोनों सोप इंडस्ट्री दियाँ कंपनीज है, एक लक्स हैगी एक डव है, सेम इंडस्ट्री, और सम अदर इंडस्ट्री जिमें कि मान लो कि लक्स प्लस कोलगेट, कोलगेट टूथपेस्ट इंडस्ट्री आ गया। इदा दो सेम इंडस्ट्री दियाँ कंपनीज भी खोल सकती हैं मिलकर एक नवा बिजनेस, तो कुछ अलग अलग इंडस्ट्री दियाँ कंपनीज भी मिलकर नवा बिजनेस शुरू कर सकती है। बट जो वह कट्ठे होकर कॉम्बीनेशन के एक न्यू एंटिटी फॉर्म करेंगे तो वो की होगा, वह मार्केट के जो बाकी इंडस्ट्रीज है, बाकी कंपनीज है, उन्होंने कंपीटिटिव एडवांटेज लै सकते, क्योंकि वह जो कट्ठे मिलकर काम करेंगे तो बाकी जो कंपनीज है उन्होंने ज़्यादा की होंगे वह पावरफुल होंगे। तो यह जॉइंट वेंचर से। हुण जॉइंट वेंचर दी जे आपां एग्जाम्पल्स की गल करिए, तो जॉइंट वेंचर दी एग्जाम्पल्स है मारुति सुजुकी ते हीरो होंडा। हीरो होंडा मारुति सुजुकी दोनों का नाम तुसी सुने ही होगा। मारुति जो है वह इंडिया की कंपनी है, मारुति उद्योग, तो सुजुकी जो सी वह जापान की कंपनी सी। तो मारुति सुजुकी ने की किया सीगा, दोनों कंपनियां ने मिल के मारुति सुजुकी के नाम तो एक नवा बिजनेस शुरू किया सीगा इंडिया दे विच। तो इस बिजनेस नूं आपां केड़ी फॉर्म ऑफ ऑर्गनाइजेशन कहांगे, इनू आपां कहांगे जॉइंट वेंचर, क्योंकि मारुति उद्योग एक अलग ऑर्गनाइजेशन सीगी, सुजुकी कॉरपोरेशन लिमिटेड जो सीगी वह जापान की एक कंपनी है। जो इन्हों दोनों अलग अलग ऑर्गनाइजेशन ने कट्ठे मिलकर एक नवा बिजनेस शुरू किया, तो उस बिजनेस का नाम इन्होंने की रखा मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी जिहड़ा इन्होंने कट्ठे बिजनेस शुरू किया वह कौन सी ऑर्गनाइजेशन है, जॉइंट वेंचर। सिमिलरली हीरो होंडा, हीरो इंडिया की कंपनी सी, होंडा सिमिलरली क्या दी कंपनी सीगी, जापान की कंपनी सीगी। इन्होंने भी की किया सी मिलके एक नवा बिजनेस शुरू किया सी, तो नवे बिजनेस का नाम रखा सीगा हीरो होंडा। तो हीरो होंडा केड़ी टाइप हैगी, जॉइंट वेंचर, कि जो दो या दो तो वध ऑर्गनाइजेशन मिलकर एक नवा बिजनेस, एक नवा वेंचर शुरू कर दी है गया उन्हों क्या जाता है जॉइंट वेंचर। बेसिकली वेंचर वर्ड जो है ना वो उत्थे यूज़ किया जाता है जिथे रिस्क इनवॉल्व हो। तो बिजनेस के अपन पता ही है अगर रिस्क इनवॉल्व होंगे है तो जॉइंट वेंचर कितने होगा, जिथे जॉइंटली दो ऑर्गनाइजेशन मिलकर रिस्क लै रही हैं उन्होंने आप कहेंगे जॉइंट वेंचर। तो मारुति सुजुकी हीरो होंडा की है जॉइंट वेंचर दग्जाम्पल्स ने गिया। हुण नैक्सट आ जाते हैं जॉइंट वेंचर के फीचर्स। सारे नालों पहला है इनक्रीज रिसोर्स एंड कपैसिटी। पिछले लैक्चर के एमएनसी वाले आप टिंकू मिकू मिनकू की एग्जाम्पल लिती सी, एक सीगा टिंकू एक सी मिंकू। टिंकू दे बर्गर
ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਟਿੰਕੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੰਕੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਪ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪੀਜ਼ਾ ਪਾਸਤਾ ਦੀ ਇਹ ਪੀਜ਼ਾ ਪਾਸਤਾ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈਗੀ ਬਰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਟਿੰਕੂ ਮਿੰਕੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ ਟਿੰਕੂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਟਿੰਕੂ ਬਰਗਰਸ ਮਿੰਕੂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਮਿੰਕੂ ਪੀਜ਼ਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਟਿੰਕੂ ਮਿੰਕੂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਟਿੰਕੂ ਮਿੰਕੂ ਫੂਡ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫੋਰਮ ਆਫ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੰਕੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਬਰਗਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿੰਕੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਸਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਟਿੰਕੂ ਮਿੰਕੂ ਫੂਡਸ ਚਲਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਟਿੰਕੂ ਦੇ ਉਹ ਮਿੰਕੂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਿੰਕੂ ਵਾਲੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਟਿੰਕੂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਰਗਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਸਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਰਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਪਲੱਸ ਪਾਸਤਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਟਿੰਕੂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਪਲੱਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਿੰਕੂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਤੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੀਆਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੈਸ ਟੂ ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਏਰੀਆਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਟਿੰਕੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਰਗਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਰਗਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰਸ ਮਿੰਕੂ ਪੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਸਤਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਸਤਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਮਿੰਕੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਗਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਟਿੰਕੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਪਾਸਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੈਸ ਟੂ ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੈਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਜੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਪਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੂਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ ਸਿਰਫ ਜਪਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾਰੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕਸ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਅਸੈਸ ਟੂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੇਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਰੂਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲੂਗਾ ਅਤੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮਾਰੂਤੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲੂਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਅਸੈਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੈਸ ਟੂ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਨੋਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ
जिथे कि रिसोर्सिस हूँ देखो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस शुरू करने लिए अपन रिसोर्सिस तो चाहिए कि प्रोडक्ट्स बनाने लिए रिसोर्स चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स अपन इंप्लॉयज चाहिए लेबर चाहिए कि पैसे चाहिए है इदा होर भी रिसोर्स चाहिए कि होंगे कि अपन बिजनेस चलाने लिए तो बहुत सारिया फॉरन कंपनीज़ की कर दी है जिन्हें दे देश के रिसोर्स महंगे होंगे है वह की करते हैं उस डेवलपिंग कंट्री दे विच या फिर उस नेशन दे विच जाके किसी कंपनी ना जॉइंट वेंचर दे विच कम कर लेंदे हैगे जिथे कि उन्होंने ये रिसोर्सिस जो है वह लो प्राइसिस ते लो कॉस्ट ते मिल जाते हैं जो थोनू प्रोडक्ट नू प्रोड्यूस करने वाले रिसोर्सिस घट रेटा से मिलेंगे तो वो की होगा थोड़ी जो प्रोडक्शन कॉस्ट हैगी वह भी घटूगी जॉइंट वेंचर यह भी होंगे है कि जिथे थोड़ू जिमें कि इंडिया के रिसोर्स जिमें लेबर वगैरह है वो अपन सस्ती मिल जाएंगे तो जो फॉरन कोई कंपनी इंडिया की किसी कंपनी मिलकर काम शुरू कर देगी तो वह अपने प्रोडक्ट्स के कर सकती कि प्रोडक्शन कॉस्ट को घटा सकती। नैक्सट आता है एस्टैबलिश ब्रांड नेम। हूँ मान लो कि जिहड़ी दो कंपनीज मिल के जॉइंट वेंचर काम शुरू कर रहेगी उन्होंने एक कंपनी ऑलरेडी वड्डी कंपनी हैगी तो ऑलरेडी की होया हुआ एस्टैबलिश होया हुआ ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल टिंकू मिंकू की एग्जाम्पल जो आप वापस लीए टिंकू मिंकू ने मिलकर नवा बिजनेस शुरू किया हूँ आ जो मिंकू है ना ये बहुत टाइम तो पिज़्ज़ा पास्ता बेच रहा है तो यदा पूरा व्डा नाम जिमें अदिदास नायकी वगैरह इन्हों आप ब्रांड नेम सुनते हैं उम्मीद मान लो कि मिंकू का जो पिज़्ज़ा है एक ब्रांड है। हूँ जो टिंकू मिल के मिंकू नाल जॉइंट वेंचर शुरू करूँगा तो उदे नाल की होगा टिंकू नू मिंकू का जो ब्रांड एस्टैबलिश होया हुआ मार्केट दे विच ऑलरेडी उदा की मिलेगा फायदा मिल जूगा। जदों तुसी ब्रांड की गल कर रहे होंगे ब्रांड की गल है तो मतलब कि कंपनी की कहेगी एक अपनी रेपूटेशन है ब्रांड के नाम तो प्रोडक्ट की प्रोडक्ट चलता है उस कंपनी का। हूँ जो मिंकू का ऑलरेडी मार्केट के ब्रांड चल रहा है तो टिंकू का कोई भी ब्रांड नहीं है तो टिंकू जाके मिंकू ना कोलैबोरेट करके काम शुरू कर देगा तो उन्होंने भी की मिल जूगा उसकी उस रेपूटेशन उसके ब्रांड नेम का फायदा मिल जूगा। जॉइंट वेंचर के फीचर है कि जो कोई भी दो कंपनीज मिलकर काम शुरू कर देंगे तो उन्होंने रिसोर्स कपैसिटी बढ़ जाती है उन्होंने नवा मार्केट असैस हो मिल जाता है नवी मार्केट के असैस कर सकते हैं नवी टैक्नोलॉजी उन्होंने मिल जाती है एक दूजे कंपनी की टैक्नोलॉजी यूज कर मिल जाती है तो नवी टैक्नोलॉजी वो असैस कर सकते हैं। इनोवेशन होंगी रहती है क्योंकि जो अलग अलग विचार के लोग मिलकर काम करेंगे इकट्ठे तो इकट्ठे मिलकर इनोवेशन नवे नवे आइडियाज़ भी जनरेट करते हैं। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारे कंपनीज उन्होंने देशों के जाके जॉइंट वेंचर खोल दी जिथे उन्होंने रिसोर्स घट रेटा मिल जाते ताकि वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घट कर सकन तो जिहड़ी कंपनी का ऑलरेडी ब्रांड नेम एस्टैबलिश होया हुआ तो वह किसी नॉन ब्रांड कंपनी ने जॉइंट वेंचर खोल दी हैगी तो जिहड़ी वो नॉन ब्रांड कंपनी हैगी ब्रांड कंपनी का की कर सकती हैगी रेपूटेशन उसका ब्रांड नेम यूज़ करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकती हैगी तो उस कंपनी के ब्रांड नेम का फायदा उस नॉन ब्रांड कंपनी को भी मिल सकता है। जॉइंट वेंचर के फीचर से होप थोनू समझ आ गए होंगे जे इनू बुक चो पढ़ियो एक बारी कोई भी डाउट होया तो वह डाउट पूछ लियो। हूँ इस टॉपिक दे विचों इस चैप्टर दे विचों अपना एको ही टॉपिक बचा हैगा PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कि आप नैक्सट लैक्चर के डिस्कस करा उदों तक जिन्ना आप डिस्कस कर लिया वो सारा बुक चो पढ़ के पक्का कर लो तो कोई भी डाउट होया वो डाउट पूछ लियो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।